नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं जनयात्रा टीवी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में उन्नाव जनपद की युवती खुशी फतेहगढ़ कचहरी में खुशनुमा बनकर मुस्लिम युवक से निकाह करने पहुंची, तभी सूचना पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, जिस पर युवक मौके से भाग गया, जिसके बाद युवक के साथी की पिटाई कर दी गई। वही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने खुशी युवक के साथी व बहन को पुलिस के हवाले कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फर्रुखाबाद जनपद की फतेहगढ़ कचहरी में जनपद उन्नाव की युवती धर्म परिवर्तन करवाकर मुस्लिम युवक से निकाह करने पहुंच गई। सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मुकेश बाथम कार्यकर्ताओं समेत वहां आ धमके और हंगामा कर दिया। वही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को देखकर युवक तो भाग गया, लेकिन उसके दोस्त को कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पीट दिया। इसके बाद युवती युवक के साथी व बहन को पकड़कर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। शमसाबाद थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी मुस्लिम युवक का जनपद उन्नाव की युवती खुशी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। खुशी युवक के साथ कचहरी में निकाह करने के लिए पहुंची थी। वही शपथ पत्र के अनुसार युवती ने खुशी से खुशनुमा बनकर मुस्लिम युवक के साथ निकाह करने की बात स्वीकार की। इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मुकेश बाथम को हुई। वह कार्यकर्ताओं के साथ कचहरी पहुंचे, मुस्लिम युवक कार्यकर्ताओं को देखकर कचहरी से भाग गया। वही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उसके साथी को पकड़कर पीट दिया, जिसके बाद साथी मुस्लिम युवक की बहन व युवती खुशी को फतेहगढ़ कोतवाली ले आए, जहां जिला अध्यक्ष मुकेश बाथम ने धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करने का आरोप लगाया। युवक व उसके साथी व बहन के खिलाफ लव जिहाद का मुकदमा भी दर्ज करने की तहरीर दी। एक लड़का एक लड़की पकड़े गए, क्या नाम है? एक ये लड़का है जिसका नाम सबीब है, शमसाबाद का रहने वाला है। ये लड़का एक खुशी नाम की लड़की है जो अपने जनपद से बाहर रहती है, उसको धर्म परिवर्तन करके लव जिहाद में जैसे ये लोग करते हैं षड्यंत्रकारी रूप बनाकर, इसकी बहन ने उसका ब्रेन वॉश किया है, पूरा समझाया बताया है। जैसा अभी ये पिक्चर चल रही है आप लोग देख रहे हो केरला स्टोरी, बिल्कुल सेम उसी आधार पर उसकी लड़की का ब्रेन वॉश किया गया है। और यहाँ पर ये लड़की विवाह करने के लिए आए थे, खानू कोर्ट वगैरह गए थे कोर्ट मैरिज करने के लिए। मुझे गुप्त सूत्रों द्वारा पता लगा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो वहीं पर जाके हम और हमारे कार्यकर्ता बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने लड़की और एक लड़के को, ये लड़के चार पांच थे, इसमें से एक लड़के को दबोच लिया, कोतवाली लेके आए। जो भी लव जिहाद है से संबंधित या जो भी उचित धाराएं हैं उन पर कार्रवाई। क्या उम्र रही होगी लड़की और लड़के की? अभी ये तो लड़की के भाई से संपर्क किया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, उनके सबके आधार पर ही बताया जा सकता है। ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।